तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PicsArt एडिटिंग के बारे में। आज मैं आपको एक्सीडेंट फ़ोटो एडिटिंग के बारे में कुछ फ़ोटो बनाने का तरीका बताऊंगा। तो अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको अपना PicsArt ऐप ओपन कर लेना है, जैसा कि मैं ओपन कर रहा हूँ, और ये प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जैसा मैं कर रहा हूँ, और अपनी फ़ोटो चूज़ कर लेनी है। मैं ये वाली बनाना चाहता हूँ, और टूल्स के ऑप्शन पे जाना है, एडजस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है, और पिछड़ना है आपने और इधर आने और ये स्ट्रेच इसके ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और पिक को जूम कर लेना है और अपने बाल सेट कर लेने हैं। बिल्कुल ऐसा लगे एक्सीडेंट ही हुआ है, मैंने सेट कर लिए हैं और मैं पीछे जाऊंगा और ये देख सकते हैं। और हम एड फोटो कैप्शन पे क्लिक कर लेंगे और ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड करेंगे और ब्लेंड के ऑप्शन पे जाएंगे और मल्टीपल के ऑप्शन पे जाएंगे और ऊपर से टिक कर देंगे। नो, मैं गलत हो गई। हेडफोर्स के ऑप्शन पे जाएंगे और ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ब्लेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मल्टीपल पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको ये इधर कर लेनी है और इन्वर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ये देख सकते हैं मैंने क्लिक किया, और रिस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रिस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इधर आपको अपनी ये पट्टी है इस पर लगा लेना है अच्छी तरह से, तो ऐसे लगा लेना है, ऐसे लगा लेना। उसके बाद आपको टिप के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना और फिर एड फोटो के ऑप्शन पे जाना है और ये वाली पिक चूज़ कर लेनी, और ये पिक आपको गूगल क्रोम से मिल जाएगी। आप ऊपर लिखेंगे एक्सीडेंट फ़ोटो एडिटिंग तो ये आपको मिल जाएगी, तो ये इधर लगा देते हैं। इधर लगाने के बाद ये आपको अच्छी तरह से लगा लेना है और फिर एड फोटो करना है। एड फोटो करने के बाद ये वाली पिक सेलेक्ट कर लेनी है और फिर ब्लाइंड के ऑप्शन पे आना है और मल्टीपल के ऑप्शन पे जाना है, ये इधर लगा लेनी है और रेजर के ऑप्शन पे जाना है, तो इधर से इसको अच्छी तरह से लगा लेना है ताकि बिल्कुल ऐसे ही लगे एक्सीडेंट हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप। अब आपको एक मेन काम करना है, टिप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और एड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करने है और ये कट लगाएंगे इधर हम, आपको ये इधर लगा लेना है। ये मैं मल्टीपल पे से रखने है ना, मैं बोल रहा था क्या हो गया ऐसे पता नहीं, तो मल्टीपल पे रख के मल्टीपल पे रखेंगे और इधर जूम करेंगे और इधर लगा लेंगे और फिर एड फोटो के ऑप्शन पे जाएंगे और ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे,
तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ब्लेंड के ऑप्शन पे जाएंगे और मल्टीपल के ऑप्शन पे जाएंगे। मल्टीपल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये क्लिक कर लेना है और रेजर के ऑप्शन पे जाना है और इधर से पिक के बैज जो है ना इसे हटा देना है और पीछे आना है और आपको ड्रा के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और इधर से रेड कलर चूज कर लेना है। रेड कलर चूज करने के बाद पिक को जूम करेंगे, उसके बाद अपनी पिक के हिसाब से कम कर लेने। ये जूम हटा के ना अपनी पिक को आपने पहले देखना है। ओपेसिटी को अपनी पिक के हिसाब से ये ब्यूटी इसका ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इन पे लगा लेना। ये देख सकते हैं आप पहले से कितने हट चुके हैं। और ये हमारी पिक तैयार हो चुकी है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। ये देख सकते हैं आप पिक को देख सकते हैं। इधर से आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अपनी गैलरी में इसे देखना है। और हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं और कमेंट करें, लाइक करें। तो आज की वीडियो इधर ख़त्म करता हूँ मैं। तो चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम, इजाज़त दें।